बाबूजी ये तो अलग बड़ी हो रही है, और आपकी भी उम्र बढ़ रही है, आप कब तक ये जिग्नेश और जिग्ना को संभालेंगे? हेतल समझ जाएगी, अभी बच्ची है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा, और मेरे जाने के बाद तुम भी तो हो ना। अरे मैं तो हूं ही, मम्मी और मम्मी, ए हाँ छोड़िए ये बातों को, बच्चों के सामने नहीं करते। ए मम्मी यार, यहाँ पे वाईफाई नहीं मिल रहा है। ले बोलो। अरे तो अपनी चीजें संभाल के रखने दो भी, बड़ी वाइफ नहीं मिल रही, बड़ी हस्बैंड नहीं मिल रहा है। अरे भावना, ये देखो क्या खबर छपी है, दूसरे राज्य से आए मुसाफिरों को अपनी पसंद का खाना मांगने पर होटल वालों ने पीटा। ए हाय हाय बाबूजी, आपको इससे कुछ याद आया? रामेश्वरम होटल, अरे दक्षिण में क्या रामेश्वरम? क्या कौन सी होटल? अरे जब जिग्नेश और जिग्ना की नई नई शादी हुई थी ना, तब हम सब साथ में हनीमून पर गए थे। हनीमून रामेश्वरम, और वो भी सब? हाँ जी, तो नहीं आ पाया था, लेकिन हम सब साथ में गए थे। उसमें क्या हुआ था कि अरे मैं बोलती हूँ ना, आप छापा पढ़ो। हाँ तो बच्चों सुनो, बहुत ही इंटरेस्ट अच्छी स्टोरी है। हाँ तो हुआ यू था कि एक्सक्यूज मी, इज एवरीथिंग ओके? ए, हम तो ओके हैं, लेकिन वो कुत्ते का मालिक ओके नहीं था। एनीवे हाउ कैन आई हेल्प यू? ए हेल्प में तो हेल्प में तो दो रूम कर दो। ओके आप कितने मेंबर्स हैं? चार लोग हैं। ए चार किधर, पांच है हम। ले बोलो, आप पे थोड़ी पैसा बर्बाद करेंगे बापूजी, आप इधर ही सो जाना। ए बेन, इनका जरा देख लेना हो। ठीक है, और आप लोग अंदर वेट कीजिए। ए इधर ही है, पर्वत किसने रख दिया? एक्सक्यूज मी, एक क्विज क्विज, एक केबीसी तो हम भी देखते हो। व्हाट केबीसी नॉनसेंस। ए सेंस मतलब तो वो ना जो में से छीड़ रखते अरे हैं। मारी भोली जिगना, उसे शेंट कहते हैं, शेंट। समझा, उसे सेंट कहते हैं, सेंट मस्त खुशबूदार अकल। शट अप, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंस नॉट सेंट। अरे शॉर्ट का मतलब ऐसे पीछे से, ऐसे इन करके। अरे पर्वत भाई तुम ये सब छोड़ो, तुम इधर आओ, आओ इधर, अरे आओ ना, तुम ये नो सब छोड़ो, प्लीज, नो ये सेब प्लीज। पियो, मैं छी, मेसली बना के लाई हूँ, अरे व्हाट पियो इज अरे रॉन्ग विथ यू पियो। गाइस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस पर्वत भाई, पर्वत भाई इन्हें क्या है, कितना बदबू मार रहा है अरे अभी भी बात आ रही है। और क्या। ए, ये अभी भी मतलब। अरे बापूजी वो दूध थोड़ा फट गया था इसलिए बास आ रही थी। अरे लेकिन इसीलिए तो मैंने इसमें फिनल डाला था कि बात चली जानी चाहिए, मजा नहीं आया हो? अरे भाई साहब, मैंने तो उसमें परफ्यूम भी डाला था, तब तो बास चली ही जानी चाहिए। अयो जी, नाउ इनफ, लेट्स लीव, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चलो। इडियट्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते। दादाजी अगर ये लोग इतना तमाशा करते हैं तो आप क्यों नहीं समझते? हाँ वही तो, आप इन लोगों को ऐसी जगह पर लेकर ही क्यों जाते हो? ऐसी जगह? अरे मैं तो कहती हूँ बाहर ही क्यों ले जाते हो, आपको पता है उनकी वजह से हमें कितनी एम्बरेसमेंट होती है। हाँ मैं तो कहती हूँ इन लोगों को तो घर में रखने जैसा भी नहीं है। बस बच्चे हो इसलिए तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो। बाबूजी शांत, आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ ना। लेकिन मम्मी, बस एक शब्द नहीं अब, और क्या कह रही थी तू? एम्बरेसमेंट होती है, और किन की वजह से तुझे एम्बरेसमेंट होती है? अरे मोटा मम्मी, हमारे सारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते हैं, और आपको तो उनका मेंटल स्टेट पता ही है। बेटा ये बात तुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन क्या उन लोगों को ये बात पता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो लोग मैं शब्द से बाहर है, उनकी दुनिया अलग है, लेकिन क्या होता उनसे हमारी दुनिया अलग हो? ये तुम्हारा गलत नजरिया है कि ये दुनिया हमारे लिए बनी है और वो लोग हमसे अलग हैं, लेकिन क्या पता ये दुनिया उनके लिए बनी हो जिसमें हम अलग हों। और तुम लोग ये जो एम्बरेसमेंट वाली बात करते हो वो तो तुम्हारे दोस्तों में करवाते हैं, तो इसमें गलती तुम्हारे दोस्तों की हुई या इनकी? मेरे तीनों लड़कों में सबसे समझदार
तेरा बाप था, मेरा जीतू। जब तक वो जिंदा था उसने इन तीनों पे कभी आंच नहीं होने दी, और तू उसकी बेटियों के ऐसी बात कर रही है। और तुम लोगों को पता है, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि कभी भी इन लोगों को अपने सालों में महसूस मत होने देना, उल्टा उनके साथ उनकी तरह बनके दुनिया को अलग दिखाना। और बेटा हेतल, लाल पीला नीला ये रंग हमारे लिए अलग है, तेरी माँ ने तो सफेद में ही सारे रंग देख लिए। वो अलग है, उसमें उनकी गलती नहीं, लेकिन उन्हें अलग महसूस करवाना तुम्हारी और हमारी सबसे बड़ी गलती होगी।